तो ऊपर ना नाम की धूप है तो गाइस ये डब्बा ना सफा चट कर दिया मैंने। तो गाइस बचपन में ना हम इसको बाय बाय करते थे। तो फर्स्ट टाइम प्लेन में कब बैठी थी, एज काफी बड़ी हो गई थी तब मैं प्लेन में बैठी थी। थोड़ा टाइम बाद हम यहाँ पे किचन बनाने वाले हैं। दिखाओ, ये तो पहले भी लाए थे आप एक बार ना। चीकू को पता ही नहीं पोपाय कौन है। तो गाइस मेरा ना पोपट हो गया, मैं हमें भी पार्टनर बना लिया। तो आज ना गोलू के साथ पोपट हो गया। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे, क्योंकि कल शूट था तो कल हम बहुत लेट सोए थे, मतलब जल्दी सो गए थे, फिर बाद में उठ के दोबारा लेट हो गया था सोने में। तो बस अभी व्लॉग स्टार्ट किया है, घर में सफाई चल रही है अभी। तो यहाँ पे अक्सर पहले आपको ना एक शू रैक दिखता होगा, वो शू रैक मैंने नीचे भिजवा दिया है, क्योंकि नीचे जो है शू रैक नहीं था, कब जूते इधर उधर होते थे। तो यहाँ पे गोलू ने ले लिया है चीकू का न्यूट्रेला, क्योंकि इसमें जो है बहुत कम बची थी, देखो। तो कह रही है मैं इसे खत्म कर दूंगी खा के। तो ऊपर ना नाम की धूप है, मतलब कि ना हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तब तो मैं नीचे बैठ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ी बहुत धूप लगेगी, तो एकदम सूरज के आगे बैठी है। पायल पतझड़ आ गया क्या? हाँ अच्छा अच्छा। तो आज ना शाम को मुझे और पायल को ना वहाँ पे भी जाना है, अपने स्कैन के लिए जाना है, हमारा फीटल इको का जो स्कैन है वो होगा। तो वैसे जाना तो दोपहर को था, बट फिर हम लोग आज थोड़ा सा लेट उठे क्योंकि कल शूट था ना। डॉक्टर से पूछा तो वो कह रहे कि डॉक्टर ढकोली साइड बैठेगा, जहाँ पे लास्ट टाइम ना पायल का 18 वीक्स का स्कैन हुआ था। तो डॉक्टर की टाइमिंग है 5 से 7 की, तो हम लोग तब निकलेंगे शाम को। तो गाइज ये डब्बा ना सफा चट कर दिया मैंने। तो गाइज वैसे ना ये परमानेंट नेल पेंट लगाने का ना बहुत अच्छा फायदा होता है, मेरे को कम से कम महीना तो हो गया ना गोलू, ज्यादा हो गया। और नेल पेंट देखो अभी तक टस से मस्त नहीं हुआ, इतने सुंदर लगते हैं परमानेंट नेल पेंट के बाद नेल्स ना। तो मैं अभी इसमें कलर चेंज करवा लूंगी शादी में जाने के लिए। हाँ। ना कौन सा कलर करूँ, वैसे मुझे तो ये ज्यादा सुंदर लग रहा है ब्राउन। तो गाइस बचपन में ना हम इसको बाय बाय करते थे, जब जाता था ना तो हम लोग ना छत पे बाय बाय करते थे। सब बच्चों ने किया होगा, मतलब आज के बच्चे नहीं करते, क्योंकि आजकल क्या है छोटे बच्चे ना प्लेन में बैठ जाते हैं, पर हमारे टाइम में तो मैं काफी बड़ी हो गई थी तब मैं प्लेन में बैठी थी, मतलब मेरे को लग रहा है मैं पहली बार प्लेन में बैठी थी जब मैं 19 या 21 साल की थी। एक और आ रहा है, मैं कैप्चर करती हूँ। दिख नहीं रहा सूरज मेरे को देख नहीं रहा। पायल तू फर्स्ट टाइम प्लेन में कब बैठी थी? एज बाबू के मिलने के बाद ही बैठी हूँ। एज मेरी होएगी मेरे साथ 20-21 20। हाँ तो मैं भी 19 साल में बैठी थी। तो गाइस आप लोग भी ना जरूर कमेंट करना कि आप फर्स्ट टाइम प्लेन में कब बैठे थे, कौन सी एज में बैठे थे। रोली तू कभी बैठी है प्लेन में? नहीं कभी। रोली ट्रेन में तो बैठी है। ट्रेन में? ट्रेन में मजा भी आता है ना, स्लीपर ट्रेन में मजा आता है, जो सोने वाली होती है। जब पूरी फैमिली हो तब कितना मजा आता है ना। तो यहाँ पर ना पानी भी आ गया, एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी तो बहुत कम है, तो और बाल्टी मंगवा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पौधों में पानी डालना। हो जाएगा पायल? हाँ? ये कब की पड़ी है शकरकंदी? ऊपर ही रह गई। हाँ। अरे उस दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया था ना शांति रोलियर के लिए। हाँ। तो मैंने ये लगा दी थी, तो खाई नहीं किसी ने, तो बन गई थी। हाँ तो खा सकते हैं? तो गोलू को लग रही है ठंड, गोलू जा रही नीचे वार्मर लेने। गोलू मेरे लिए सॉक्स ले आई हो और टोपा ले आई हो। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ की भी थोड़ी सफाई कर देते हैं। ऊपर आए हैं तो थोड़ी क्लीन ही कर देते हैं छत को, वैसे भी काफी टाइम से हम लोग ना, एक हफ्ते से ऊपर हो गए हम छत पे नहीं आए, आज आए काफी दिन बाद। तो गाइस यहाँ पे ना थोड़े दिन बाद ना, अभी मतलब थोड़े टाइम बाद हम यहाँ पे किचन बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको रोज कुछ ना कुछ नई जो है रेसिपी दिया करेंगे। तो यहाँ पे बनाने के लिए अभी हमने भैया को बोला है, हमारे जो धैर्य भी है ना उनके घर में काम चल रहा है अभी ना इंटीरियर का, तो उनको बोला मैंने इंटीरियर डिजाइनर को लेके आना। क्या हुआ मेरे बाबू? देखो मैं क्या लाया मेरा बच्चा? क्लेज लाया। क्लेज खरीद के लाए हो? किसने दिलाए? धैर्य चच्चू बड़ा प्यार करते हैं आपसे है ना। दिखाओ, ये तो पहले भी लाए थे आप एक बार ना। ये सबसे अलग है। ये क्या है? ये भी क्ले है। आप टोपा पहन के नहीं आए बेटा? कलर गोलू मम्मा को बोलती हूँ टोपा लेके आएगी आपके लिए। तो अभी अभी ना मैंने ये यहाँ पे गिरी हुई थी तो देखा पूरा गीला है, शायद बारिश में ना ये पूरा गीला हो गया, तो अभी कपड़ा मंगाती हूँ और ये पूरा क्लीन करती हूँ। चीकू यहाँ पे ना बच्चे कुछ जो गुब्बारे यहाँ पे लटके हुए थे ना वो फोड़ रहा है। तो थोड़े थोड़े पौधों की ना छटाई भी होने वाली हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी छटाई भी कर देती हूँ, और जितने नीचे पत्ते वत्ते गिरे हुए हैं वो सब उठा के थोड़ी छत को भी क्लीन कर देती हूँ। हाँ जी, लिखा पी लिखा मैंने। तो चीकू ने इस पे लिखा है पी फॉर पायल। तो जैसे कि ना ये फूल मुरझा गया है, ये मुरझा गया है, तो किसी ने मुझे मतलब मैंने ऐसा वीडियो देखा था कि ना इनको ना हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए, इनको सीजर से काट के हटाना चाहिए।
तो मैंने अभी सीजर मंगाई है, सीजर से क्लीन करूंगी। तो यहाँ पर ना शांति हमारे लिए लंच लेकर आ गई है, पालक पनीर, मिक्स वेज, चटनी और कौन सब्जी है, एक और शांति, ये मिक्स सब्जी और एक और मिक्स सब्जी। ये कल गाइस वही वाली सब्जी जो हम लोग शूट पे बनवाई थी ना, तो हमने बहुत सारा सामान मंगवा लेते, हमने कहा वेस्ट ना हो खाना, खा लेंगे हम। हाँ शांति, पायल शांति शकरकंदी का बोल रही है, अब तो यार खराब हो गई है, बारिश भी तो आई थी, खराब हो गई शांति, स्मेल आ रही है। पायल तू क्या कर रही है कैंची से, इन पत्तों में कीड़े लग रहे हैं ना, देख। अच्छा हाँ दिख रहे हैं, सारे पत्ते खराब हो जाएंगे, ये निकाल रही हूँ कैंची से, देख वो रहे सारे, वो भी है। पायल कैंची चला सकते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है, कैंची से ही करते हैं, जितने भी बड़े बड़े फार्म वो होते हैं ना, जिन्होंने अपने घर पे वो बना रखा होता है फार्म, जो भी होता है, हाँ मतलब ग्रीन कैंची यूज करते, कुछ फल भी तोड़ना हो, कुछ भी तोड़ना हो कैंची से काट, ताकि दोबारा आ जाए। हाँ। तो यहाँ पर ना मैं अपना विंटर स्पेशल का डब्बा भी ले आई हूँ अपने लिए, चीकू के लिए, पायल के लिए, खाना खाने के बाद हम लोग खाएंगे, तो सब कुछ रेडी हो गया। पायल आ जा खाना खा ले, पहले खाना ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ना पायल ने इस वाले पौधे की और इस वाले पौधे की सबकी छटाई कर दी है, क्या वो टमाटर वाला चेक कर रही है। तो आज तक ना चीकू ने पोपाय द सेलर मैंने देखा, मैं ना चीकू को ना ये खिला रही थी पालक पनीर, पायल कह रही है जो पालक खाता ना पोपाय जैसा हो जाता है, चीकू को पता ही नहीं पोपाय कौन है। चीकू जब हम छोटे होते थे ना हम इतना कार्टून देखते थे, पता है पोपाय द सेलरमैन वाला। तो यहाँ पर ना मैंने अपने और पायल के कपड़े निकाल लिए और साथ में फाइल निकाल लिए, बस रेडी होने जा रहे हैं। तो डॉक्टर से ना अपॉइंटमेंट ले लिए 6 बजे की, अभी बज रहे हैं 5:10, बस रेडी होते हैं, रेडी होके निकलते हैं, क्योंकि जो अजीरापुर से ढकोली है ना उस टाइम पे ट्रैफिक मिलता है, तो जाते आते ना 30-35 मिनट्स तो लग ही जाएंगे, तो टाइम से निकल जाते हैं। तो गाइज मेरा ना पोपट हो गया, मैं 5 बजे से रेडी हूँ, क्योंकि 6 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी ना, तो पायल ने मुझे कहा था कि गोलू तो 5:30 या 6 बजे मुझे उठा दियो फिर हम चल लेंगे, क्योंकि पायल सो रही थी उस टाइम पे, तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी 6:30 हो रहे हैं, तो मैंने कहा पायल उठ जा, 7 बजे तक डॉक्टर बैठा है, फटाफट ना चलते हैं, मैं कब से रेडी हूँ। पायल को आ रही है बहुत तेज नींद, क्योंकि ना शूट की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, मेरी तो हो गई थी, तो मैं बैठी हुई थी काफी देर से, वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने कहा चल वीडियोस डाल देती हूँ इतनी देर में, तो पायल को उठाने के लिए गई, तो पायल ने मना कर दिया कि आज नहीं कल जाएंगे डॉक्टर के पास, तो मैं रेडी वेडी होकर आराम से बैठी हुई हूँ देखो। और आज ना चीकू के पापा के भी नींद ना मस्त पूरी हुई है, मतलब ये लगा लो 2 बजे सोए थे और अभी 6:30 हो रहे हैं, और इनकी नींद भी अच्छे से पूरी हो गई है, एक दिन की जो नींद थी ना पूरी पेंडिंग थी, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा शूट चला था, तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे। सेट पर क्या होता है लेकर वैनिटी थी, बट वैनिटी में नींद नहीं आई, क्योंकि क्या होता है बाकी जगह जब शूट होते हैं ना तो सेटअप बिठाने में टाइम लगता है, 1-2 घंटा लग जाता है सेट चेंज करने में, पर जिम में टाइम नहीं लगता, जिम में एक ही सेटअप था तो फटाफट हो रहा था बैक टू बैक, तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो हम दोनों के जो फाइल्स है ना मैं ड्रॉअर में रख रही हूँ, कि आज तो जा नहीं रहे, कल जाएंगे, इनको रख देती हूँ। तो गाइज मैंने ये वाली जो क्रीम है ना ये अप्लाई करती हूँ, बहुत अच्छी है, मतलब कि मेरी जो स्किन है ना काफी ड्राई रहती है, तो जब भी मैं मेकअप नहीं करती हूँ ना तो यही वाली क्रीम अप्लाई करती हूँ, इससे ना क्या रहता है 6-7 घंटे आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, और डे में लगाती हूँ और सोने से पहले भी लगाती हूँ, नाइट में भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर ना चीकू के पापा के लिए ना जिम के कपड़े निकाल दें, क्योंकि अभी वो उठे हैं तो उठते बोल रहे हैं मैं जिम जाऊंगा, तो मैंने 2-3 ऑप्शन निकाल दिए, जो पहनना होगा पहन लेंगे वो। तो यहाँ पर ना मेरी शाम की चाय आ गई है, और मैं ना अपनी चाय मिस कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे चाय वाली पार्टनर है ना पायल वो सो रही है, तो मैं अकेले चाय पी रही हूँ। हाँ जी आप भी पियोगे क्या? हमें भी पार्टनर बना लिया गया। आपको बनाऊंगी जब मैं जिम जाऊंगी ना डिलीवरी के बाद, कुछ टाइम बाद फिर आप मेरे जिम पार्टनर बनोगे। तो यहाँ पर ना चीकू की ना गर्मी आ गई, चीकू थोड़ा सा पीछे होना बेटा, पीछे होना, तो एक कैपरी और टी शर्ट पहन लिया इसने, इसने अपने कपड़े उतार दिए यहाँ पर। बेटी आपके पास सुनो अभी बज रहे 7, अभी बज रहे 7, आपके पास 8:30 का टाइम है, 8:39 सोना है, हाँ 1.5 घंटा है सोना है उसके बाद। चीकू किसने गिफ्ट किया आपको, कौन बिगाड़ रहा है आपको? ये चचू ने नहीं बिगाड़ा, ये मेरी नई न्यू मैम ने दिया है। अच्छा सब बिगाड़ते हैं ना आपको टॉय ले लेके। तो ये ना चीकू को मैं ऑलरेडी बहुत पहले लेके दिया था ऐसा कुछ ना, उसके जो ये बुलेट्स होते हैं ना उसका अता पता भी नहीं है कहाँ पर कौन सी चीज है। पायल गुड मॉर्निंग, आप 2 घंटे सोए हो पता है, सुबह से ना ऐसे हो रहा था शायद थकावट की वजह से, क्योंकि एक रात खराब हुई थी ना बीच में, तू शूट वाले दिन जब आई थी तो रात को 4-5 बजे सोई है, सुबह 9 बजे उठ गई, मैं तो सो गई थी ना। चीकू बेटा इसके पास सो जाओगे ना, तो गाइस अभी ना क्या ये पायल ही इसलिए कर रही है क्योंकि चीकू ने ना अभी थोड़ी देर पहले इत्र घुमा दिया था, तो इत्र लगाया था, वो जो इत्र है ना वो सर पे चढ़ रहा है। चीकू हम लोग ना ऐसी चीजें नहीं लगाते बेटा, परफ्यूम इत्र, तो अभी आज सूंघी है ना तो सर पे घूम रहा है ये। तो गाइस अभी बज गए हैं 8:26, चीकू एकदम टाइम पे ना चला गया क्योंकि कल मॉर्निंग में इसका स्कूल है। चीकू खाना मैंने खिला दिया, पायल गई चीकू को सुलाने के लिए, बस ना पायल ने बोला कि गोलू उसका दूध ले आई हो, तो एक काम करती हूँ चीकू को दूध दे देती हूँ, फिर मेरा और पायल का डिनर रह जाएगा वो मैं करूंगी थोड़ी देर में। चीकू सारे कोने ले लिए बेटा, सो जाओ पापा बाहर ही बैठे हुए हैं, गुस्सा करेंगे। हाँ पापा बाहर है? नहीं चले गए।
बट सोच अब चीकू नहीं सोचा पापा ब्लॉग देखेंगे तो यहाँ पर ना चीकू के सारे कपड़े निकाल दिए क्योंकि चीकू को बोला था कि बेटा नहा ले। चीकू कह रहे मम्मा मैं अभी नहीं नहाऊंगा मैं सुबह नहाऊंगा। तो यहाँ पे सब सामान चीकू का निकाल दे, चीकू का बैग रेडी कर दे, उसकी डायरी भर गई थी स्कूल की तो डायरी भी मैंने बैग में डाल दी है, शॉर्पनर पेंसिल सबको चेक कर लिए। तो ये जो लड़का है ना ये सच में ना बहुत शरारती है, देखो सारे के सारे जो इसने क्यूब्स है ना सब फिलाए हुए, तो ये भी मैं समेट के रखती हूँ, इन सब क्यूब्स को डाल देती हूँ इसके डब्बे में। तो यहाँ पर ना मेरा खाना आ गया है, पायल चीकू को सुला रही है तो बस मैं खाना खा रही हूँ, खाना खाती हूँ और उठ गई पायल, उठ गई तू चीकू सो गया, तो यहाँ पे चीकू भी सो गया है, आ जाओ खाना खा लेते, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही थी। तो अभी अभी ना रोटियां कम पड़ गई थी तो गोलू ने अपने स्पेशली अपने लिए परांठे बनाए हैं, देखो। और मेरे को मैंने तो रोटी खाई अभी एक घी के साथ, दोपहर से दिल कर रहा था कि गरम गरम रोटी पे घी खाऊं तो मैंने घी के साथ रोटी खाई है और यहाँ खा रहे परांठे और सब लोग खा चुके हैं, चीकू सो चुका है, सुबह उसको जाना है स्कूल और बस अब हम भी खाना वाना खा के सोने जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया 10:07, तो अब सोने का टाइम हो गया है। तो आज ना गोलू के साथ पोपट हो गया, गोलू ने अपॉइंटमेंट ली थी हमारे अल्ट्रासाउंड के लिए, जो बेबी की फिटल इको हार्ट का अल्ट्रासाउंड होना था उसके लिए अपॉइंटमेंट ली थी। और मेरे को जैसे मैं छत से आई ना मुझे इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई, मैं आते ना यहीं पे से सोफे पे यही सो गई। तो गोलू पहले 5:30 आई, कह रही पायल उठ जा हॉस्पिटल जाना है, मैं इनका लेट चल लेंगे, फिर मैं सो गई। फिर गोलू 6:30 आई, कह रही उठ जा पायल आधा घंटा बचा है बस हॉस्पिटल जाना है, मैं इनका इतना जरूरी नहीं है कल चलेंगे, मैं फिर सो गई। तो आज हमारा अल्ट्रासाउंड जो है वो पेंडिंग हो गया, अब कल सुबह मॉर्निंग में यहीं पास वाले हॉस्पिटल में बैठेंगे डॉक्टर, तो वहीं चले जाएंगे क्योंकि ढकोल यहाँ से बहुत दूर भी है। सबका खाना हो चुका है, अब जो सब्जी और दाल रह गई है वो मैं डब्बे में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ और फिर जाते हैं सोने। मैंने और चीकू ने मिलके ना यहाँ पे पेंट किया था, ब्रश वाला लिक्विड वाला सूख किया है इसलिए यहाँ सुखाने के लिए रखा था, इसे भी डाल के रख देती हूँ। तो मैंने मेरी रात की दवाई जो है वो भी खा ली, अब बस दूध गोलू बनाएगी बोनविटा वाला, फिर वो दूध पीते हैं और सोते हैं। गुड नाइट एवरीवन, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब लोग सेफ रहे अपने अपने घर पे।